देख रहा हूँ सुबह सुबह ये दोनों भिखारी वो मेरे घर पर क्या मांगने आए हैं। अबे जिंदा है या अपने 20 साल के तजुर्बे के साथ गोल हो गया है? अबे अबे मरे तेरे दुश्मन, ओ मैं कोई तेरा दुश्मन हूँ जो इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ जाऊंगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें मत बना, ये ले दावत का कार्ड। दावत का कार्ड और वो भी मुझे? हाँ हाँ, तुझे ही देने आए हैं। और पर किस खुशी में? लो, पूरे मोहल्ले भर को मालूम है और तू है कि अभी तक गधे बेच कर सो रहा है। अबे पतीले, मुआवरा तो घोड़े बेच कर सोने का है और तू फिर ये बीच में गधा कहाँ से ले आया है? मैं मुहावरे को आदमी की हैसियत देखकर फिट करता हूँ, समझे? समझ गया यार, ज्यादा मत समझाया कर मेरे को। अच्छा अब ये बको कि ये दावत किस खुशी में है? अबे इतना बड़ा कार्ड तेरे हाथ में है, तू खुद क्यों नहीं पढ़ लेता? और तेरे को मालूम तो है पतलू कि मैं जिंदगी में स्कूल सिर्फ एक बार गया था। और चल यार पतलू, बता दे इसे। तू कहता है तो बता देता। देख आज अपने मोटू का जन्मदिन है, शाम को दावत है, जरा समय पर आ जाइयो। तुम कहो तो मैं अभी चलू तुम्हारे साथ। अबे ओ भुखमरे, दावत तो शाम को है और तू अभी से अपने राल टपका रहा है। यार क्या करूं, बहुत दिन हो गए ना किसी दावत पर खाना खाए हुए ना। अब ज्यादा बातें मत बना और ध्यान से सुन, अपने यार झटका और पपीता को भी बोल दियो। मैं उनको तो क्या, उनके पड़ोसियों को भी बोल आऊंगा। मुझे मर गया। चल छोड़ यार पतलू, ये अपनी आदत से बाहर नहीं आ सकता। Happy birthday to Motu. Happy birthday to Motu. Happy birthday to Motu. अबे पतलू, अब क्या करें, ये खाने का सामान तो बहुत कम पड़ेगा। वो तो पड़ना ही था, वो 20 साल के तजुर्बे वाला अपना रंग जो दिखा गया है, कम वक्त पड़ोसियों को भी साथ ले आया है। तू ऐसा कर, ये ले 20 रुपए और भाग कर 3 लीटर दूध और ले आ। मिठाई लेने के लिए मैं घसीटे को भेज देता हूँ। ठीक है। अबे ओ घसीटे, जरा इधर तो आइयो।
एक बार भैंसे, मुझे खाने से मत रोकना। अबे भुकमरे, तुझे खाने से कौन रोक रहा है? ये ले 50 का नोट और भाग कर अपने नुक्कड़ वाले हलवाई से 1 किलो जलेबियां ले आ। ओए अभी लो बादशाह। अरे मोटू के बच्चे, खाने का सामान तो खत्म होने को है। जरा धम तो ले छुरी तले हैं। पतलू और घसीटा खाने का सामान लेने गए तो हैं। इनका इंतजाम तो तुझे पहले करना चाहिए था। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग अपने साथ अपने पड़ोसियों को भी ले आओगे। ले भाई मोटू, संभाल ये दूर और ये रहे बाकी के पैसे 5 रुपए। ये तो ठीक है, पर वो घसीटा कहाँ मर गया? अभी तक वापिस नहीं आया। वो आ रहा है मालगाड़ी की तरह। अबे जल्दी जल्दी पांव उठा। आ तो रहा हूँ यार। मुझे तो जलेबियाँ कुछ कम लग रही हैं। मैंने ना जरा चख कर देखी थी कि जलेबियाँ मीठी है या नमकीन। अबे नाश पीटे, जलेबियाँ भी कभी नमकीन होती हैं। चल छोड़ यार पतलू, ये ले जलेबियाँ और रख दे मेहमानों के आगे। अबे 20 साल के तजुर्बे, बाकी के पैसे तो वापस करता जा। माफ करना मोटू भाई, ये लो बाकी के अपने 30 रुपए। वो तो ठीक है, पर ये 50 का नोट जो तेरे हाथ में है, कहाँ से आया तेरे पास? ये 50 का नोट जो तूने दिया था ना, ये वही है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं तुम्हारे लिए जलेबियां लेने नुक्कड़ वाले हलवाई के पास गया तो वहाँ बहुत रश था। तो फिर? और फिर क्या, मैंने मौके का फायदा उठाया और जलेबियां लेने के बाद मैंने 50 का नोट दिए बिना ही हलवाई से ये कह दिया कि मैंने तो जलेबियां लेने से पहले तुझे 50 का नोट दे दिए थे भाई। तो फिर उसने क्या कहा? काफी कहा सुनी के बाद उसे मानना ही पड़ा और बाकी के 30 रुपए मेरे को दे दिए। लेकिन ये तो बुरी बात है। जा, ये 50 का नोट से वापस करके आ। भाई मैं कोई तेरी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ हैं, जो मैं हाथ आई हुई दौलत को वापस कर दूँ। लेकिन मैं तो अभी अभी दूध वाले को 10 रुपए वापस करके आया हूँ। वो क्यों? क्योंकि मैंने 3 लीटर दूध लिया था और दुकानदार को 20 रुपए दिए, उसने मुझे 5 रुपए वापस देने के बजाय 15 रुपए वापस दे दिए। तो इसका मतलब है तू भी दुकानदार को बेवकूफ बनाया और 10 रुपए कमा लीजिए। अबे पूरी बात तो सुन, मैंने वो 10 रुपए उसी वक्त दुकानदार को वापस कर दिए। इसका मतलब है कि तू तो 1 नंबर का बेवकूफ निकला। बेवकूफ ये नहीं तू है जो उस दुकानदार से 50 रुपए ठग कर ले आया। बेवकूफ मैं नहीं, ये पतलू है। ओए अपने को तो दूसरों को बेवकूफ बनाने का वो क्या कहते हैं, 20 साल का तजुर्बा है भाई। अगर ये बात है, मैं अभी इस बात का फैसला करवा देता हूँ कि बेवकूफ कौन है, तू या पतलू। वो कैसे? मैं तुम दोनों को एक बार फिर भेजता हूँ उन दुकानदारों के पास, लेकिन इस बार ये दोनों सामान उधार लेकर आएंगे। मान लो ये दोनों सामान उधार लेकर आ जाते हैं, तब फैसला हो जाएगा कि असली बेवकूफ कौन है। वो कैसे? ये मैं इन दोनों के वापस आने के बाद ही बताऊंगा। ठीक है। क्यों भाई पतलू, ले आया दूध? हाँ जी, ये लो दूध। यार पतलू, तुझे उस दुकानदार ने दूध उधार कैसे दे दिया? अरे आप उधार की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहा था आप जैसे ईमानदार आदमी दुनिया में कम ही मिलते हैं। क्यों बे मालगाड़ी के इंजन, वो जलेबियां कहाँ हैं? हैं? और तेरे ये कपड़े किसने फाड़ दिए? ये सब उस नुक्कड़ वाले हलवाई की करामा। अबे पूरी बात तो बता, यूं टसुए मत बहा। तुम्हारे कहने पर जब मैं उस दुकानदार के पास जलेबियां लेने गया तो मैंने उससे कहा कि भैया
एक किलो करवा कर जलेबियां दे दो, पैसे मैं तुझे कल दी जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ? ओए होना क्या था, उसने आव देखा ना था, कहने लगा कि तेरे जैसे बेईमान को उधार तो क्या, और मैं नकद भी जलेबियां नहीं दूंगा। और उस पर से उसका बदले मेरी भूख पिटाई की। हो आए हुए अब बता बेटा घसीटू, असली बेवकूफ कौन है, तू या पतलू? अबे क्यों मेरे चले पर नमक छिड़क रहा है? वो सीधी तरह मान क्यों नहीं जाता कि ईमानदारी में बड़ी बरकत होती है? हाँ भाई, आज मैं भी मान गया कि सचमुच ईमानदारी बड़ी चीज होती है। चलो यारो, अब माफ कर दो इसे। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ। हाँ।